हेलो एवरीवन, आपको ट्वीन प्रेगनेंसी के 8th मंथ में किस तरह से उठना बैठना और लेटना एंड सोना चाहिए ताकि आपको और आपके बेबी को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ट्वीन प्रेगनेंसी के 8th मंथ में प्री मेच्योर डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसीलिए आपको अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। ट्वीन प्रेगनेंसी के 8th मंथ तक आते आते आपका पेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिस वजह से आपको उठने बैठने लेटने चलने करवट लेने एंड इसके साथ ही नहाने वॉशरूम जाने हर काम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और साथ ही में आपके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहने वाला है, स्पेशली जब आप उठते हो एंड आप करवट लेते हो या फिर आप लेटने जाते हो, और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एंड ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक आपको झेलनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सभी ट्विन्स मॉम को झेलना ही पड़ता है। एंड इसके अलावा आपको जो है घुटनों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द रहना, थकान होना, सरदर्द होना एंड आपको कब्ज, गैस, अपच, इस तरह की बहुत सारी नई नई समस्याएं हो सकती हैं। आपको फुल बॉडी में खुजली भी हो सकती है, और ये सारे जो भी सिम्टम्स हैं वो ट्विन प्रेगनेंसी के ही होते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और कुछ महिलाओं को जो है हाई बीपी की भी शिकायत हो जाती है, एंड इसके साथ ही कुछ महिलाओं को जो है सूजन की भी शिकायत हो सकती है। इसलिए आपको जो है बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस मंथ में आपको घर के काम बहुत ही लिमिट में करने हैं, जो जरूरी है आपसे वही करें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना करें। जितना ज्यादा हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। आप नॉर्मल डिलीवरी के वजह से आपको जो है झाड़ू पोछा जबरदस्ती करना है या घर का काम जबरदस्ती करना है तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। ज्यादा से ज्यादा आराम करने से क्या होगा कि आपके जो बेबी का वजन है वो बहुत ही अच्छे से गेन होगा, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में कभी भी 9 मंथ पूरे नहीं लगते हैं, लगभग 8.5 महीने तक आपकी डिलीवरी हो ही जाती है, और अगर आप अल्ट्रासाउंड के हिसाब से देखते हैं तो उस समय तक आपके 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं। और इसीलिए आप जितना ज्यादा आराम करते हैं, जितना ज्यादा फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं तो आपके बेबी का वजन अच्छे से गेन होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा फिजिकली काम करते हैं, ज्यादा थकाते हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं तो इससे आपके बेबी के वेट पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड इसके साथ ही आपको अपने उठने लेटने बैठने सोने हर टाइप की पोजीशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको जो है कभी भी झटके से ना उठना है, ना ही झटके से बैठना है, आपको बहुत ही आराम से उठना है एंड बहुत ही आराम से बैठना है। एंड आप जब भी लेटने जाएं तो आप जो है लेफ्ट साइड करवट लेकर ही लेटें, आपको बिल्कुल भी सीधा नहीं लेटना है। और उसके साथ ही आपको जब बेड से उठना हो कभी भी सीधे उठने की गलती ना करें। सबसे पहले आप करवट लीजिए, चाहे आप राइट साइड या फिर आप लेफ्ट साइड, उसके बाद आप धीरे से उठिएगा। अगर बेड या जिस पर आप लेटे हैं उसकी ऊंचाई ज्यादा है तो उसके नीचे आप जो है कोई स्टूल वगैरह रखकर ही उठें। डायरेक्टली आपको एकदम से बहुत ऊंचाई से जो है पैर नीचे नहीं रखना है, इससे आपको झटका भी लग सकता है। और इस टाइम आपको जो है जमीन पर बैठना बिल्कुल अवॉइड करना है। और आप जब भी बेड पर बैठने जाती हैं, आराम करती हैं, तो आपको क्या करना है कि अपनी जो पीठ है वो हल्के से ऐसे तिरछे करके बैठना है। आपका जो ब्रेस्ट है वो ऊपर की साइड रहने चाहिए, ना कि आपके पेट से टच होने चाहिए, ठीक है। और आप जो है पीछे अपने 1 या 2 पिलो भी लगा सकती हैं, इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा बैठने में, सांस लेने में भी काफी ज्यादा आराम मिलेगी। एंड आपको कोई भी काम बहुत देर तक खड़े होके नहीं करना है, बहुत देर तक बैठ के नहीं करना है, आपको जो है टाइम टाइम पर अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है। अगर आप किचन में खाना बना रही हैं तो आप उस समय एक कुर्सी जरूर रखिएगा, जिससे कि आप उस पर बीच बीच में बैठती रहें। एंड इसके अलावा जब भी आप जो है चलती हैं तो अपने पैरों को बहुत ज्यादा फैला के ना चलें, जितना ज्यादा आप अपने पैरों को दूर करेंगी उतना ही ज्यादा आपको पेन होगा। एंड आप जब भी वॉक करती हैं तो आप महसूस करेंगी कि वॉक करते करते आपके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप कोशिश करें जब भी आप वॉक करती हैं तो आप अपने पेट को नीचे की साइड दोनों हाथों से जरूर पकड़ें, इससे जो है आपको थोड़ा कम दर्द होगा। और आपको लगातार लंबे समय तक वॉक नहीं करनी है, बीच बीच में थोड़ा आराम जरूर करना है। और आपको अब जो है उकरू बैठकर ना कपड़े धोने हैं, ना ही आपको ज्यादा देर पोछा ओछा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। और अगर आपको कपड़े धोने भी पड़ रहे हैं तो कपड़े आपको इस पोजीशन में धोने हैं कि आपका पेट नहीं दबना चाहिए। आप ज्यादा भारी कपड़े ना धोएं, हल्के हल्के कपड़े आप आराम से धो सकती हैं, क्योंकि आपके पास जो भी 1.5 महीने का टाइम बचता है इसमें आपको अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बाकी के जो काम है वो आप बाद में भी
कर सकते हैं। अब आपको कोई भी सामान अगर जमीन पर गिर जाता है तो डायरेक्टली सामने से झुककर नहीं उठाना है, सबसे पहले आपको अपने जो है घुटनों के बल बैठना है, उसके बाद ही उठाना है, और उसके बाद आप जो है आराम से घुटनों को पकड़ के ही धीरे से खड़े होना है या फिर दीवार को पकड़कर। इस समय आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऑटोमेटिक हल्का सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप वॉक करते हैं तो आपको खुद से तिरछा होके नहीं चलना है, बल्कि आपको सीधा ही चलना है। एंड आप जो है वॉक जरूर करिएगा सुबह और शाम, बहुत ज्यादा देर नहीं, तो कम से कम 5-5, 10-10 मिनट वॉक जरूर करनी है। और अगर डॉक्टर ने आपको इस मंथ में कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है किसी भी कारणवश, तो फिर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट जरूर करना है। और आप जब भी लेटती हैं तो करवट लेकर ही लेटें, और आपको अपने दोनों पैरों के बीच में एक तकिया जरूर लगाना है, इससे आपको थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट में जो दर्द होता है उसमें राहत मिलेगी। एंड इसके साथ ही आप जो है एक तकिया अपने पेट के नीचे और एक तकिया पीठ के पीछे भी लगा सकती हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। एंड ये मंथ जो है आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको हर काम में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस प्रभु का नाम लेते रहिए और धीरे धीरे ये टाइम भी कट जाएगा। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बोलने लगते हैं कि मैं 8 मंथ के बाद ही डिलीवरी करा लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। बस ये सोचिएगा कि आपने इतना टाइम क्रॉस कर लिया, थोड़ा और सही। इस समय आपको पैरों को जो है क्रॉस करके बिल्कुल नहीं बैठना है।